इसी तरह प्रोविडेंट फंड की रकम जो हुकूमत के पास हमारी महफूज होती है, जमा तो हम ही कराते रहते हैं, और उस पर जो ज़कात है, क्योंकि अभी इस वक्त वो हमारे कब्जे में नहीं है, वो रकम हुकूमत के पास रखी हुई है, जब हम रिटायर होंगे उस वक्त वो रकम हमको मुकम्मल मिलेगी, तो उसकी रकम, उसकी ज़कात हम हर साल जो उस साल का बैलेंस है उस पर अदा करें, या जिस दिन हमारे कब्जे में वो रकम आ जाएगी उस वक्त उसको अदा करें। बेहतर यह है कि हर साल जितना टोटल हो जाए जी उतने की ज़कात अदा कर दें जी, लेकिन अगर कोई चाहता है कि जब सब मिलेगा तभी अदा करेंगे तो इसकी भी गुंजाइश है। लेकिन जब सब मिलेगा तब अदा करेंगे तो वो उस दिन उस साल मिला हमको, मान लीजिए 5 लाख उस साल मिल गया, तो वो एक ही बार 5 लाख की ज़कात अदा करेंगे? अगर इससे पहले 5 साल गुजर चुके हैं हाँ, तो हर साल की ज़कात देनी पड़ेगी। अच्छा, हर साल का वो उस साल का जो कैलकुलेशन है टोटल, हाँ, उस पर फिर अगले साल का, फिर अगले साल का, इस तरह से। इसीलिए हम मशवरा देते हैं। तो फिर क्या मतलब हुआ, हिसाब जोड़ना पड़ेगा आपको। हाँ, और वो तो और तकलीफ होगी और जहमत वाली बात हाँ, होगी। तो इसलिए अच्छा ये है कि साल ब साल ज़कात अदा करते जाए ताकि जब रकम मिले तो वो पाक ही मिले। हाँ, पास आप मिले। उसमें ये भी है कि हुकूमत जैसे हम जमा करते हैं, जब मैंने एक रकम मुख्तस कर रखी है कि मेरी सैलरी से मैं 5,000 रुपया अपनी प्रोविडेंट फंड में जमा करूंगा हर महीना। हाँ, हाँ। तो 12×5=60, मतलब 60,000 रुपया मेरा साल का गया। उसी तरह एम्प्लॉयर का कम कंट्रीब्यूशन भी उसमें होता है। अच्छा, हाँ, तो वो लोग भी हमारे अकाउंट में कुछ ट्रांसफर करते हैं। तो अब मेरी जो ज़कात निकलेगी वो मैंने जो जमा किया उस पर और प्लस जो एम्प्लॉयर ने दिया उस पर भी, क्योंकि वो मेरे ही अकाउंट में आ रहा है, तो दोनों को जमा करना पड़ेगा ना। तो हमारे खाते में जब वो रकम जमा हो गई तो वो हमारी मिल्क हो गई। तो एक तो वो है जो हमने जमा किया और एक जो एम्प्लॉयर ने जमा किया, उन्होंने उसने जमा किया, तो दोनों हुआ तो जमा होने के बाद दोनों हमारी मिल्क हो गई। और जब मिल्क हो गए तो दोनों के टोटल मजमूए की ज़कात हमारे ऊपर लाजिम लाजिम हो जाएगी। माशाल्लाह।